नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान की भलाई में कहां-कहां काम आता है। इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी टेक्सटबुक पॉइंट ऑफ व्यू, एनसीईआरटी के सारे बेसिक पॉइंट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो लेक्चर्स देखिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक बार में ही सारा एनसीईआरटी टेक्सटबुक समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर से हम एनसीईआरटी के बाहर के पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रोब्स एज अ फूड, जहां हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको खाने में कहां कहां काम में आता है। तो हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक ना मन को बहुत लुभाने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक खाने वाला है। खाने में तो हर किसी की नियत फिसल जाती है, पर तू नियत मत फिसला, बोर्ड पे ध्यान दे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नीट एग्जाम के हिसाब से बेटा। ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इडली। सेकंड वी विल टॉक अबाउट डोसा, मुंह में पानी आ रहा है। एंड थर्ड वी विल टॉक अबाउट ढोकला। देखो, साउथ इंडिया से होते हुए गुजरात तक पहुंच गए हम लोग, इडली डोसा ढोकला। अब ये सब जो तरह तरह के फूड है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के हिसाब से नीट एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि ये हमको किस आटे से मिलता है। आटा यानी इंग्लिश में बोलेंगे डफ। तो ये हमको मिलता है फ्रॉम द डफ ऑफ राइस एंड अ ब्लैक ग्राम। ओके, डफ यानी आटा। ओके, चावल का आटा और चने का आटा, इसका जब फर्मेंटेशन होता है ना, तब जाके इडली डोसा और ढोकला तैयार होता है। देखो, इडली डोसा और ढोकला खाना बहुत आसान है, पर उसका मैकेनिज्म समझना मुश्किल है बेटा। दैट्स बायोलॉजी। ओके, अच्छा दूसरी बात, इसमें जो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तीसरी बात, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है, दीज आर एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनका नाम है ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस। और ये बैक्टीरिया है बेटा। नेक्स्ट, खास करके ढोकला बनाने के टाइम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। मैं मेरे पॉइंट पे वापस आता हूं। इडली डोसा ढोकला खाने में मजा आता है, हम खा लेता है, पर अब उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम आटा ऑफ चावल, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम आटा ऑफ चना, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस, एंड फॉर ढोकला इट इज लैक्टोबैसिलस। सो अब की हम बायो वाले जब अपना इडली डोसा और ढोकला का समझो कि रेकड़ी या स्टॉल लगाया ना, तो हम ये बोल के नहीं बेचेगा इडली ले लो डोसा ले लो, नो, ल्यूकोनोस्टॉक ले लो, स्ट्रेप्टोकोकस ले लो, लैक्टोबैसिलस ले लो। लोगों को लगेगा नया इडली आया मार्केट में, बट ये हमारा बायो स्टाइल है, यो यो बायो। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखो बेटा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और उसके वजह से इडली बिकम्स पफ्ड अप। इडली है ना एकदम फूला फूला, और उसमें छोटे छोटे दाने जैसा क्यों रहता है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने की वजह से ये पूरा का पूरा इडली जो है ना एकदम पफ्ड अप, यानी नरम नरम, एकदम पोचा पोचा, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, और उसमें छोटे छोटे दाने जैसे रहते हैं। That indicates a point that there is liberation of which gas? Carbon dioxide. Okay, so खाने के मामले में पहली बात हो गई इडली डोसा और ढोकला की। अब दूसरा हम बात करेंगे मशरूम की। Okay, अब मशरूम में भी दो वेराइटी आता है बेटा, एक होता है नॉन एडिबल। नॉन एडिबल मशरूम यानी जिसे खाया नहीं जा सकता,
ओके, इसको हम लोग पॉइजनस मशरूम भी बोलते बेटा। और इसका एग्जांपल है टोड स्टूल्स। मशरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हो बेटा? मैं बताऊंगा नहीं, तुम ढूंढो, बहुत मजा आएगी। ओके, ऐसा मानते हैं कि मशरूम ना टोड मेंढक की प्रजाति है। मेंढक क्या है? बारिश में निकलता है, और मशरूम भी बारिश में ही ज्यादा उगते हैं बेटा। ऐसा मानते हैं कि मेंढक ने अपना वेस्ट प्रोडक्ट जहां जहां पास किया उधर मशरूम ग्रो होता है, उस हिसाब से इसका नाम रखा है। उसका हिंदी में क्या नाम है मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद ढूंढो कि मशरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं। ओके, बड़ा मजेदार है, और आके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ओके, और अगर तुझे शर्म आए तो तू मत बता, मन में याद रख कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि मशरूम ना एक तरह का फंगस है। अब इमेजिन, खाने के मामले में हम लोग ने फंगस को भी नहीं छोड़ा। फंगस क्या करता है, जैसे समझो मैं एक मशरूम ऐसा छतरी जैसा, अम्ब्रेला जैसा। अब मैं एक फंगस हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे आजू बाजू में जितना सड़ा हुआ मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। यानी मैं दूसरों का न्यूट्रिएंट्स खींच रहा हूं और अपने अंदर वो न्यूट्रिएंट्स को भर रहा हूं, जिसके वजह से मैं फ्लेशी हो जाता हूं। तो मैंने दूसरों का न्यूट्रिएंट्स चोरी किया, मैं सैप्रोफाइटिक हूं। बट इंसान क्या करता है, चोर के घर में चोरी करता है। यानी मशरूम ने दूसरे का न्यूट्रिशन चोरी किया, इंसान वो मशरूम को ही खा जाता है। इंसान सोचता है कि मेरे को भूख लगा, थोड़ा देर इंतजार करने का, मशरूम अपना बंदोबस्त करेगा, मशरूम जैसे ही न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर स्टोर करेगा हम मशरूम को खा जाएगा। दैट इज ह्यूमन का टेंडेंसी बेटा। पर सारे मशरूम खाए नहीं जा सकते। टोडस्टूल मशरूम की वो प्रजाति होती है जो जहरीली होती है बेटा, इसको खाना नहीं चाहिए, नहीं तो सीधा फोटो दीवार पे आएगा बेटा, हार और अगरबत्ती के साथ, रिमेंबर दैट। ओके, चलो मूविंग ऑन। अब कौन से मशरूम को खाया जा सकता है, इसमें तीन एग्जांपल है। एडिबल मशरूम्स के तीन एग्जांपल, फर्स्ट इज कॉल्ड एज पैडी स्ट्रॉ मशरूम। पैडी स्ट्रॉ मशरूम का दूसरा नाम है वॉल वेरिएला वॉल्वा सीएई। वॉल वेरिएला वॉल्वा सीएई, ये पैडी स्ट्रॉ मशरूम है पहला। दूसरा मशरूम है ऑयस्टर मशरूम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूरोटस फ्लोरिडा। तीसरा मशरूम है व्हाइट बटन मशरूम, और इसका दूसरा नाम है एगारिकस बायस्पोरस। इमेजिन, मशरूम के भी टाइप्स है सर। खाने के टाइम तो हम डायरेक्ट खा लेता है, सोचता नहीं है कौन सा वेराइटी है। बराबर है, खाने के टाइम पे हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, खाना खाना होता है। ओके, तुम अभी दिमाग का इस्तेमाल करो। सर इतना सारा नाम कैसे याद रखूं मैं? सिंपल शॉर्टकट याद रख, पावर POW। ओके, सो मार्केट में पावरफुल वड़ा पाव आया, तो पावरफुल वड़ा पाव आया। पावरफुल यानी POW, वड़ा यानी V, पाव यानी P, आया यानी A। सो पैडी स्ट्रॉ मशरूम इज वॉल वेरिएला वॉल्वासिए, ऑयस्टर मशरूम इज प्लूरोटस फ्लोरिडा, व्हाइट बटन मशरूम इज एगारिकस बायस्पोरस। ओके, सो मशरूम से रिलेटेड इतना याद रखो। अब मशरूम के ऊपर जो छतरी जैसा पार्ट होता है ना, फ्लेशी पार्ट, ओके, यानी फूला हुआ हिस्सा, उस हिस्से के अंदर अच्छी बात यह है कि चर्बी का प्रमाण कम होता है, शुगर का प्रमाण कम होता है, और उसमें प्रोटीन्स बहुत ज्यादा रहता है। ओके, और मशरूम ओवरऑल लो कैलोरी डाइट है,
यानी उसके वजह से तुम्हारे ब्लड में फैट्स का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ेगा नहीं बेटा। तो यहां पर हम लोग वो पॉइंट लिख देते हैं, फ्लेशी पार्ट ऑफ मशरूम इज फैट फ्री, शुगर फ्री। सर फैट फ्री शुगर फ्री मतलब मैं मशरूम लेने जाएगा तो मेरे को फैट्स और शुगर फ्री मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट पे लिखा है डैंड्रफ फ्री, यानी तुमको डैंड्रफ फ्री मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। फैट फ्री यानी उसमें फैट्स नहीं है, उसमें शुगर भी नहीं है बेटा। ओके, सो इट इज फैट फ्री एंड शुगर फ्री एंड इट कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स विटामिन्स एंड ओवरऑल मशरूम्स आर लो कैलोरी फूड। ओके, सो इतना बेसिक याद रखो। मैं वापस से रिपीट करता हूं, हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे बेसिक पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स विच आर यूज एज फूड। जहां हमने स्टार्टिंग में इडली, डोसा, ढोकला की बात की, फिर हमने मशरूम की बात की, और अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी बेटा हम बात करेंगे दही की, हम बात करेंगे छाछ की, हम बात करेंगे चीज की। यानी आज का लेक्चर सिर्फ फूड के बारे में। सर ये चैनल योयो बायो है कि ये चैनल का नाम फूड फूड है? हाँ, इट माइट साउंड लाइक दैट। ऐसा आभास होता होगा कि आज का ये पूरा लेक्चर किसी फूड फूड चैनल के रेसिपी जैसे है, जहाँ मैं आपका शेफ हूँ एंड आई विल से नमस्ते, मैं वैभव अवस्थी बोल रहा हूँ। आज आपको मशरूम बनाना है, ओके, आज आपको दही बनाना है, एक वाटी दूध ले लो, उसमें थोड़ा नींबू डालो, नमक स्वाद अनुसार। हाँ, ऐसा साउंड कर रहा रहेगा, बट वो सब मत सोचो। तुम खाली एमसीक्यू के हिसाब से देखो, खाने के हिसाब से मत देखो। हमेशा खाना 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 गलत बात है। ओके, एनीवेज, जोक्स अपार्ट बेटा, डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में तुमको क्या क्या याद रखना है कि इसमें बेसिक पॉइंट देखो क्या है। मिल्क के अंदर लैक्टोज है बेटा। लैक्टोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो मिल्क में होता है बेटा। ओके, अब मिल्क पे ना अलग अलग बैक्टीरिया काम करते हैं, जिसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बेटा मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, ओके, तू याद रख, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। रुक, लिख देता हूँ फुल फॉर्म। दिख रहा है बेटा? सर कहाँ लिखा आपने? अरे क्यों लिखूं, डायरेक्ट याद रखना इजी है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, जिसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है ना, दूध के अंदर जितना भी लैक्टोज है उसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा कि दूध के अंदर जितना भी केसिन नाम का प्रोटीन है, ओके, द केसिन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क, उसको जमा देगा बेटा। जमा देगा यानी वो जेली जैसा बन जाएगा, जैसे हमारा ब्लड कोएगुलेशन करता है ना बेटा, खून जम जाता है, ओके, वैसे ही है ना, दूध जम जाएगा बेटा, गाढ़ा हो जाएगा, उसको बोलने का कोएगुलेशन। सो लैक्टिक एसिड दूध के अंदर केसिन नाम के प्रोटीन का कोएगुलेशन करवा देगा और उसका पार्शियल डाइजेशन करवाएगा बेटा। ओके, पार्शियल यानी आधा, उसका आधा डाइजेशन करवाएगा, तब जाके हमको मिलेगा कर्ड, योगर्ट, चीज। तो ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हमको इसी मैकेनिज्म के थ्रू मिलते हैं बेटा। अच्छा, इसमें एक और एक्स्ट्रा बात ये याद रखो, कभी भी ये वर्ड देखा ना बेटा, इनोक्युलम, इनोक्युलम का मतलब होता है स्टार्टर।
और इनोक्यूलम में देर आर मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. मेरी बात ध्यान से सुन बेटा. जैसे सपोज इनोक्यूलम क्या होता है, स्टार्टर होता है. अब जैसे मुझे दही बनाना है राइट, तो मैंने थोड़ा दही पड़ोसी से मांग लिया. अपने देश में तो यही होता है ना, बेल बजाने का, भाभी थोड़ा चीनी मिलेगा, भाभी थोड़ा नमक मिलेगा, भाभी थोड़ा दही मिलेगा, भाभी थोड़ा 1 करोड़ रुपया मिलेगा, सब मांग लेते हैं. ओके, तो मैंने थोड़ा दही लिया और दही को दूध में डाला ना, तो क्या पूरा दूध का दही बन जाएगा बेटा. अब मैंने ये जो थोड़ा सा दही लिया ना, इसको मैं इनोक्यूलम बोलूंगा. क्यों? क्योंकि ये स्टार्टर है, ये ही अंदर जाके मिल्क को पूरा का पूरा कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, दही में कन्वर्ट कर देगा. और इस स्टार्टर को इनोक्यूलम बोलने का, इसके अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है, सो जो थोड़ा सा पार्ट लेके हम दूध में डाल देते हैं जिसकी वजह से पूरा दूध का दही हो जाता है ना, उसको हम बोलेंगे इनोक्यूलम. ये भूलना मत बेटा. अच्छा, कर्ड योगर्ट और चीज, एक और जरूरी बात सुनो. कर्ड और योगर्ट में क्या फर्क है? कर्ड को भी लोग दही बोलते हैं, योगर्ट को भी लोग दही बोलते हैं, पर दोनों में फर्क है. हाँ सर, स्पेलिंग का फर्क है. ए मार खाएगा. कॉन्सेप्ट्स की बात कर, सुन ध्यान से. ओके, कर्ड का देख कैसा है. कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. ओके, एंड योगर्ट. अच्छा बेटा, एक और छोटी सी बात सिखा रहा हूं. देख, यहां मैंने योगर्ट लिखा है, यहां मैंने योगर्ट लिखा है. अब ये दोनों भी स्पेलिंग्स करेक्ट है बेटा. तुम योगर्ट भी लिख सकते हो उसको, योगर्ट भी लिख सकते हो. ये सब ना वो वेस्टर्न कंट्री गोरे लोग का स्टाइल है. साफ साफ बोलोगे एक एक अक्षर तो योगर्ट, पर जितने में हम लोग एक एक अक्षर पढ़ता है योगर्ट, ये लोग क्या फास्ट इंग्लिश बोलता है, मुंह टेढ़ा कर योगर्ट. इट्स कॉल्ड योगर्ट इन चीज, यू नो ऐसा. ओके, तो है ना, तुम उसको योगर्ट भी बोल सकते हो, योगर्ट भी बोल सकते हो, दोनों स्पेलिंग सही है बेटा. ओके, अब ये बनता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस. स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नाम के बैक्टीरिया से और एक बैक्टीरिया से बनता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. बल्गारिकस. तो देखो, कर्ड और योगर्ट में क्या फर्क है, अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे. जहां तू बोल रहा था स्पेलिंग का फर्क है, मारेगा, स्पेलिंग का फर्क नहीं है. कर्ड बनता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की मदद से, योगर्ट बनता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से. फर्क समझा सर? इससे अच्छा स्पेलिंग का फर्क है, वही अच्छा पॉइंट था. नहीं रे, नाम याद रख बैक्टीरिया का, इजी है बेटा. ओके, अच्छा दूसरी बात यह होता है कि कर्ड और योगर्ट में से योगर्ट ना ये दो बैक्टीरिया के वजह से बनता है बेटा. और योगर्ट में फैट्स का प्रमाण और प्रोटीन्स का प्रमाण थोड़ा ज्यादा होता है. योगर्ट ज्यादा गाढ़ा होता है. ओके, ज्यादा विस्कस होता है, ज्यादा थिक होता है बेटा. इतना बेसिक पॉइंट हमको याद रखना. चलो आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा बटर मिल्क, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? छांस. सर सास नहीं, वो सास बहू अलग है, इसको छांस बोलते हैं. सास भी तू बोल सकता है, तेरा मर्जी तेरा जबन. ओके, अच्छा, नाउ व्हाट इज बटर मिल्क? बटर मिल्क इज एसिडुलेटेड लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर चर्निंग बटर फ्रॉम कर्ड. ओके, अभी कैसे है ना कि मिक्स करना यानी चर्निंग. पता है वो लकड़ी जैसा आता है जिसके नीचे ये रहता है, हमारी मम्मी मिक्स करती है उसको, हमारे गांव के भाषा में उसको मथानी बोलते हैं.
मंथन करने के काम आता है, मिक्स करने के काम आता है, रोटेट करते हैं वो लकड़ी से हम लोग, ठीक है। तो मक्खन बन जाता है, तो मक्खन को जब हटा लो तो ऊपर का जो पानी रह जाता है उसको हम लोग छांस बोलते हैं बेटा, ओके। चर्निंग यानी मिक्सिंग। सो एसिडुलेटेड, क्यों एसिडुलेटेड? क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है और लैक्टिक एसिड उसका मेन एसिड है बेटा। सो एसिडुलेटेड लिक्विड विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर चर्निंग बटर फ्रॉम कर्ड इज कॉल्ड एज बटर मिल्क। एमसीक्यू में आएगा तो याद रखना। चलो लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज किसके बारे में? चीज। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ओके। सो चीज के बारे में बात करेंगे। अब चीज में कैसा है ना बेटा कि चीज को बनाने में भी ये पूरा का पूरा प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि उसको फ्लेवर मिल सके। हम यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू केवल तीन तरह तरह के चीज के बारे में बात करेंगे। पहला जो चीज है उसको बोलते हैं रॉकफोर्ट चीज। दूसरा जो चीज है उसको बोलते हैं कैमेम्बर्ट चीज। और बेटा तीसरा जो चीज है उसको बोलते हैं स्विस चीज। चलो पहले ये नाम याद रख लो, ओके। रॉकफोर्ट, कैमेम्बर्ट और स्विस चीज। इसमें से सबसे आसान वाला है स्विस चीज। तुमने टॉम एंड जेरी देखा होगा बेटा, तो बिल्ली और चूहे का कार्टून आता है ना, ओके। उसमें वो चूहे को इस तरह का चीज पसंद होता है जिसमें खड्डा होता है, ओके। सो खड्डे वाला जो चीज है ना उसको स्विस चीज बोलते हैं। ये बनता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमेनाइस है, और इसमें जो खड्डा है ना वो कौन से गैस की वजह से? क्योंकि वहां से कौन सा गैस निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमेनाइस बेटा। रॉकफोर्ड और कैमेम्बर्ट ये दो जो चीज है ना ये बनता है फ्रॉम पेनिसिलियम। दोनों का नाम बहुत आसान है बेटा। पहला वाला बन रहा है फ्रॉम पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई एंड सेकेंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई। दोनों के नाम के आगे डबल आई लगा देना, दैट्स इट। और खाली पेनिसिलियम याद रखना बेटा। सो चीज से रिलेटेड ये तीन वेराइटी है, ओके। चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड में कहां कहां रोल है, ओके, उसकी क्या भूमिका है ताकि हमारे तरह तरह के खाने के पदार्थ बन सके उस बारे में डिस्कस किया है बेटा। जहां हमने शुरू किया था इडली डोसा और ढोकला से, फिर हम गए थे मशरूम के सेक्शन पे, फिर हम लोग आए डेयरी प्रोडक्ट्स में जहां हमने बात किया मिल्क और उससे बनने वाला कर्ड, योगर्ट, चीज, ओके। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो, जिस अंदाज में मैंने तुझे सिखाया उस अंदाज में इसको याद रखो और मन लगा के पढ़ते रहो। आने वाले लेक्चर में सारे के सारे और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करूंगा, एक पॉइंट भी मिस नहीं करूंगा। जब जब टाइम मिलेगा बेटा आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, बट मन लगा के पढ़ते रहना। रीड बायो, लीड बायो, योयो बायो, और खाते रहो, सब बहुत टेस्टी है। थैंक यू बेटा।